वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से आप ये मान के चलिए कम से कम तो आपके अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं सही तरीके से, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपका 60% तो आपका पेपर वहाँ से उठ करके आ जाएगा। तो आपको पहले कोर्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने में और कंफर्टेबल रहेंगे। बट मेरी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अब कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बच्चे, आपके पास में यहाँ पर आज की क्लास हम जो है 2000 क्वेश्चन पेपर आपका डिस्कस कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। दो हज़ार बाईस का क्वेश्चन पेपर है इसको हमने उठाया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और 22 के क्वेश्चन पेपर में जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था, ये ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं इसके। अब आपके पास में ये कहाँ पे मिलेगा, ये क्लास यूनिट 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलेगा आपको, इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें आपको कौन कौन सी क्लासेस देखनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन कवर करने के लिए, क्लास 1, 2, 3 आपको देखना पड़ेगा, और उस क्लास के ऊपर नाम ये टाइटल है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन जो कि वीडियो में नहीं है उसको मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू फर्म डिटरमाइन देयर डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। एक फर्म कैसे डिसाइड करता है कि उसको कितना कैपिटल अपने फर्म में रखना चाहिए, कितना फर्म कितना कैपिटल उसके पास में होना चाहिए। अब कैपिटल की तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चाहेंगे कैपिटल आपके पास में हो, तो कैपिटल तो 1 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए खरबों रुपए तक रखा जा सकता है। बट एक डिजायर्ड कैपिटल क्या है, मतलब कि फर्म के अंदर कितना पैसा होना चाहिए फर्म को चलाने के लिए कम, तो वो उस क्वेश्चन को कहते हैं हाउ डू फर्म डिटरमाइन, फर्म कैसे डिसाइड करती है देयर डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, कि उसके फर्म में कितना पैसा कितना कैपिटल होना चाहिए। तो बच्चे दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक आपका रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ध्यान समझिएगा, दो चीजें होती हैं बच्चे, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है बच्चे, रेंटल का मतलब ये होता है कि फिक्स, भाई आपको तो वो आपको अफोर्ड करना ही पड़ेगा, आपको कुछ आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपको लॉस हो रहा है तो आप हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं भैया अब मैं इस कॉस्ट को बियर नहीं करूँगा। आपको रेंट है, चाहे आप लॉकडाउन लग जाए, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको पे करना ही करना है। इसको रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, जो कि कॉस्ट आपका जाएगा ही जाएगा। लाइक जैसे क्या, एक तो इंटरेस्ट, अगर आपने सबसे पहले एक तो इंटरेस्ट अगर आप बैंक से जो पैसे ले रहे हैं वो इंटरेस्ट आपका जाता है, आप जो पेमेंट करते हैं ब्याज, क्लियर है। और दूसरा आपके पास जो आपके पास फिक्स एसेट्स है वो डैप आपका रिड्यूस होता है हर साल, आपके फिक्स एसेट्स में से अब 50 लाख की मशीन है एकदम से क्रैप आपके स्क्रैप में चली गई 20 साल बाद, तो उसमें 50 लाख कहाँ से लाओगे, क्लियर है बच्चे। तो वो कैपिटल भी आपके पास में क्या है, धीरे धीरे आप उसको मैनेज करके चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन, तो इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ये क्या है कि ये तो आपका जाना ही जाना है, इंटरेस्ट भी जाना है आपका और आपका डेप्रिसिएशन भी आपका होना ही होना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है बच्चे। ये तो फिक्स है, ये किस नेचर का है, ये फिक्स नेचर का है किसी भी फर्म के पास में, तो इंटरेस्ट का बर्डन एंड दूसरा उसका उसके फिक्स कैपिटल का डेप्रिसिएशन, ये फिक्स रहता है। तो एक तो ये कॉस्ट तो हर फर्म अफोर्ड करती ही करती है, और एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, क्या कहते हैं उसको हम, तो इसका नेचर कैसा रहता है, इसका मैं ग्राफ बना देता हूं पहले। ये तो बच्चे फिक्स है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर है, और मैं यहाँ पे आपका रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका है, क्लियर है बच्चे, और यहाँ पर मैं आपका रख रहा हूँ कैपिटल। तो इसका डायग्राम आपके पास में क्या रहेगा, ऑलवेज ऐसा रहेगा,
क्लियर है? क्योंकि ये आपको बताता है कि ये आपका नहीं तो बढ़ेगा और ना ही ये आपका घटेगा। आउटपुट अगर आप बढ़ाते हैं, जो रेंटल कॉस्ट है ये तब भी इतना रहेगा, अगर ये आप और बढ़ा दें तब भी इतना रहेगा, कम कर देंगे तब भी इतना रहेगा। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ये रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बच्चा आपका होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होता है बच्चे? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अभी अभी कितना प्रोडक्शन करा ऑफ कैपिटल एक एडिशनल कैपिटल को लगाने से। तो आप फर्म में एक नया कैपिटल, एक नई प्लांट, एक नई मशीनरी को लगा देने से आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज आ गया। लाइक आप पहले 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, एक मशीनरी लेकर के आप आए और उस मशीनरी से अब आप जो है 1400 का प्रोडक्शन कर रहे हैं अब टोटल। तो मतलब एग्जांपल के लिए लाइक आपके पास में टोटल प्रोडक्शन आपके पास में 1000 यूनिट का है, क्लियर है? और आप एक एडिशन कर दिया आपने, किस में एडिशन कर दिया? कैपिटल में चेंज कर दिया, कैपिटल में एक मशीन लेकर आए, तो अब आपका टोटल प्रोडक्शन जो हो गया है वो इंक्रीज हो गया और 1002 कितना हो गया? 1400 हो गया, या फिर आप 1800 हो गया यूनिट। तो एक एडिशनल कैपिटल के आने से आपके टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, या एक एडिशनल कैपिटल को लगाने से आपके प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हुई, या एक एडिशनल कैपिटल ने कितना प्रोडक्शन करके आपको दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा आपका 800। ये बात समझ में आई आपको बच्चे? क्लियर है? तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू चेंज इन प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन कैपिटल। क्लियर है बच्चे? अब आप यहाँ पर एक और एडिशनल कैपिटल लगाएंगे, एक और एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, तो अब आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन आपका, अब आप देखोगे तो पहले आपका 1800 हो गया, अब आपका जो है 2400 हो गया। तो अब आपका ग्रोथ कितना हुआ? अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अब आया एक एडिशन कैपिटल को लगाने से 600। तो पहले आपका कितना आया था? 800, अब कितना आया आपका? 600। तो आपके पास में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ऑलवेज डिमिनिशिंग नेचर का होता है, गिरता रहता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि आपका सेकेंड फेज पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो कैसा मिलता है आपका? वो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है। क्लियर है? ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था, तो उसको अभी हम नहीं खोलेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में या रिटर्न्स टू अ स्केल में आपने पढ़ा था, जहाँ पर कैपिटल में भी चेंजेस कर रहे थे, तो डिमिनिशिंग रिटर्न का आपका फिर सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से अब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पहले से कंप्लेक्शन देगा। क्लियर है बच्चे? तो अब इसका डायग्राम कैसे आप बनाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो ये देखो, नीचे कैपिटल लिख लेता हूँ और इधर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल लिख लेता हूँ। क्लियर है बच्चे? इसका नेचर कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि स्टार्टिंग कैपिटल पे प्रोडक्शन इतना मिल रहा है आपको, इतना यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा है। एक और कैपिटल लगाओगे, एडिशनल कैपिटल, तो प्रोडक्शन आपको मिलेगा बट पहले से कम मिलेगा। एक का लगाओगे और कम मिलेगा, एक का लगाओगे आपका और कम मिलेगा। क्लियर है बच्चे? तो जैसे जैसे आप अपने कैपिटल को बढ़ाते चले जाओगे, नेक्स्ट कैपिटल से प्रोडक्शन आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसलिए इसका डायग्राम ऐसा बनता है। लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन वहीं पर अटका हुआ है कि एक फर्म कैसे डिसाइड करेगी कि उसके लिए डिजायरेबल कैपिटल ऑफ स्टॉक क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, दो चीज़ें कौन कौन सी? रेंटल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है बच्चे? दो चीज़ों पर, रेंटल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम।
एक डायग्राम में दोनों ही बनाते हैं। सबसे पहले रेंटल कोस्ट बना देते हैं, दिस वन आपको पता ही कि ऐसा क्यों बनता है। उसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है बच्चे? और नीचे आपका डिनोट किसको करेंगे हम, नीचे डिनोट कर देते हैं हम कैपिटल को, और यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है? अब आपके पास में यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप इस कैपिटल के डिज़ायर करते हो तो यहाँ तक तो आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इतना मिल रहा है, बट आपका जो रेंटल कॉस्ट है इतना तो आपको एडिशनल यूनिट पे आपका इतना प्रोडक्शन लेवल है, बट आपका कॉस्ट कितना जा रहा है, आपका कॉस्ट आपका इतना जा रहा है रेंटल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है, तो इतना आप गेन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर और कैपिटल लगाना पसंद करोगे, क्योंकि आपके कैपिटल लगाने से आपका प्रोडक्शन इस समय ज़्यादा है, आपका जो आउटपुट है वो आपके रेंटल को आउटपुट लेवल जो है वो आपके रेंटल कॉस्ट से ज़्यादा है, इसलिए आपके लिए बेनिफिट है, आपका आउटपुट जो है वो आपके रेंटल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इस सारा का सारा आप अपने बेनिफिट को कवर करोगे। कब तक? जब तक कि दोनों के इक्वल नहीं आ जाते हैं। इसलिए क्या करोगे आप यहाँ पर, अरे मैंने इरेज कर दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये जब इक्वल हो जाते हैं ये केलेबल है, ये डिजरेबल कैपिटल है, ये ही डिजरेबल कैपिटल है, क्लियर है बच्चे? जहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे आ गए। आइए क्या कहता है ये, अ फर्म कैन डिटरमाइन इट्स डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन द रेंटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल। रेंटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ द एक्वायरिंग कैपिटल विच ए फर्म मस्ट बियर, उसको करना ही पड़ेगा। इट इज द सम ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एंड प्लस द डेप्रिशिएशन चार्जेस, आर सी इक्वल टू आर प्लस डी। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कैपिटल। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डिमांड फॉर द कैपिटल बाय द फर्म, कि एक फर्म को कितने कैपिटल की डिमांड है। अब यहां पर आप देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, फॉर्मूला एमपी विल फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल विद इन द इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ द कैपिटल। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फॉल होगा। डायग्राम देखिए, डायग्राम में यहां पर कर रहा है, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ अ कैपिटल, द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ अ कैपिटल इज डिनोटेड एज अ के, यहां पर है जो के आपका, विच डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द आर सी इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ई पॉइंट। इन द डायग्राम द रेंटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आर सी मेजर्ड अलॉन्ग विद द वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, एंड क्वांटिटी ऑफ अ कैपिटल स्टॉक के इज अ मेजर्ड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे हमने कर रखा है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा हुआ है, रेंटल कॉस्ट। डाउनवर्ड स्लोपिंग द कर्व शोइंग द डिमांड फॉर द कैपिटल विच इंक्रीज विद द फॉल इन द रेंटल कॉस्ट, क्लियर है बच्चे? तो ये बात कह रहा है ये क्या, एमपी इज डाउनवर्ड, तो आपका एमपी डाउनवर्ड है। क्या डाउनवर्ड है, जो कि क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शोइंग डिमांड फॉर अ कैपिटल विच इंक्रीज विद द फॉल इन द रेंटल कॉस्ट, क्लियर है बच्चे? एंड वाइस वर्सा, द रेंटल कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल फॉर और आर सी इज द अज्यूम टू बी द गिवन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द लेवल ऑफ आर सी, क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, अभी इसको कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, पहले आप उसको देखिए तो सही, एक बार क्लास ढंग से। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। अगर बच्चे आप इंटरेस्ट रेट को आई को अगर आप इंक्रीज करते हैं, यहां देखो, अगर आप इंटरेस्ट रेट को अगर आप बच्चे इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट किसके अंदर आता है, रेंटल कॉस्ट, क्या होता है, आर प्लस डी आई प्लस डी, क्लियर है? अगर आपने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया इट मींस आपका आरसी आप बढ़ा रहे हैं,
और आप अपने डायग्राम को देखते हैं, ई कैपिटल, अगर आपने अपना आरसी बढ़ा दिया बच्चे, अगर आप अपना जो है रेंटल कॉस्ट, ये आरसी है ना आपका, अगर आप अपना आरसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अगर आप अपना आरसी बढ़ा देंगे, यही होगा ना आपका आरसी, तो यही है ना, आरसी बढ़ा दोगे तो क्या होगा? अब आपका एक क्लियर यहां पर आएगा, तो अब आपको अपने डिजायर्ड कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? अगर आप अपना आरसी बढ़ा देंगे, आरसी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास पे रेंटल कॉस्ट है। इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट अगर इसमें से बढ़ जाए तो आपका आरसी बढ़ जाएगा, और आरसी बढ़ने का मतलब ये हो गया आपके पास में आरसी यहाँ आ गया बढ़ के, तो क्या हो रहा है, क्लियर है? यहाँ पर आ गया तो इससे क्या हुआ, आपकी कैपिटल की डिज़ायर क्या हो गई, कम हो गई है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इंटरेस्ट बढ़ने से कैपिटल की डिज़ायर कम हो जाती है। क्लियर है? क्यों क्यों कम होती है? एग्जांपल के लिए आप समझिए जरा कि भैया आपके बैंक में 100 रुपये पड़ा था और इस पे 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, 10 रुपये आप एज ए इंटरेस्ट कमा रहे थे, आपने एज अ कैपिटल बाय कर लिया, 100 रुपये वहाँ लगा दिए, 10 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? एज अ इंटरेस्ट ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए कॉस्ट हो गया, ये खर्चा कर दिया आपने, मशीन पे लगा दिया बैंक से पैसे निकाल करके, अब 10 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपके पास में क्या हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ये 10% से ये 20% हो जाए इंटरेस्ट रेट, तो अब आपको 20 रुपये बैंक से मिलेंगे। सोचोगे यार मशीन जो है कैपिटल हम जो है उस पर ना लगाएं, अब बैंक में रहने देते हैं, पैसा सही रिटर्न मिल रहा है। तो बेसिकली आपने अपने कैपिटल को क्या करा, आपने कैपिटल को अपना कम कर दिया। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? हेलो, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन द मल्टीप्लायर, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट इसमें एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द इनकम टैक्स एक्ट एज इन द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन एन इकोनॉमिक। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये यूनिट 5 मनी का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाइएगा, लेक्चर नंबर 8 देखिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के नाम से टाइटल डाला हुआ है, वीडियो नंबर 8 पे, क्लास नंबर 8 पे। क्लियर है? तो आपको ये टॉपिक वहाँ से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पेपर, पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं फिनिश कर दूँ 2022 का, देन मैं आपको सॉल्व कर, 2023 का टफ पेपर आया था, मुश्किल पेपर में से एक था, तो 2023 का पेपर मैं फिर इसके बाद सॉल्व करूंगा, 23 के दो पेपर हैं उसको सॉल्व करूंगा, तो 23 के दो, 22 का एक सॉल्व करेंगे, 21 का सॉल्व करेंगे, 20 का सॉल्व करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे टॉपिक जो हैं एग्जाम कैसे आ रहे हैं आपको कवर हो जाएगा। और वैसे भी आपको सारे नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक बार ध्यान रखिएगा, लाइक जैसे मैंने एक पेपर पूरा सॉल्व करवाया, अब जो नेक्स्ट पेपर करवाऊंगा उसमें से कुछ क्वेश्चन मैच होंगे तो वो डिलीट कर दूंगा मैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वही मैं करवाऊंगा ना आपको। क्लियर है? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी टॉपिक को कवर करेंगे, क्वेश्चंस को, क्योंकि कंटेंट मैंने चेक नहीं करा था, अभी चेक करके ही मैं आगे पढ़ा पाऊंगा कि इसमें जो है कुछ चीज़ें गलत अगर होंगी तो फिर वो चेक करूंगा पहले कि सीधा टाइप होकर के आ गया, ये सारी चीज़ चेक करनी है कि सही से लिखा हुआ नहीं है, CYD, समझने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास में।
बाकी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा प्रैक्टिस, अभी तो न्यूमेरिकल इसके भी करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल अच्छे से, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, उसमें फुल स्कोर आएगा, टेंशन मत लो। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक होगा ही होगा, वो तीन वीडियो में से ही आना है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी ठीक होगा ही होगा, सेकेंड यूनिट जो पढ़ाया मैंने आपको उसमें से आना है, और एक न्यूमेरिकल आपका 100% करेक्ट होगा। तो पाँच सवाल करने होंगे, तीन सवाल तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि ये तो आपके सही जाने जाने हैं, प्लस में एक सवाल आपका जो है 10 ईयर में से उठ करके आएगा, क्लियर है। और एक आपके सिलेबस पर डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस कितने अच्छी तरीके से कवर किया है। इस एग्जाम में 7 क्वेश्चन थे, 7 में से कोई 5 करने थे, 2 आप स्किप कर सकते थे।